गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 9 पढ़ाऊंगी। पाठ 9, जब सूरज ने निकलने से इनकार किया। बच्चों, इसके लेखक हैं केवल गोस्वामी। यह नागालैंड की लोक कथा है। बच्चों, कल्पना करो, अगर सूरज ना होता तो क्या होता। सूरज हमारी इस पृथ्वी के लिए अति आवश्यक है। इसके बिना हमारा इस धरती पर कोई भी अस्तित्व नहीं है। सिर्फ हमारा ही नहीं, बल्कि हमारे वातावरण में उपस्थित पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, मनुष्य आदि का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाता। हमारी इस दुनिया के लिए सूरज सबसे ज़्यादा जरूरी है। कहते हैं सुबह के समय अगर सूरज की रोशनी में खुले आसमान में सैर की जाए तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। हमको विटामिन डी मिलता है और हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। लेकिन अगर सूरज न होता तो हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती, क्योंकि सूरज न होने के कारण सुबह भी नहीं होती और हमारी धरती का वातावरण का चक्र न होता और हमारी दुनिया में कई तरह की बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती। बच्चों, अब हम यह पाठ पढ़ेंगे। इस लोक कथा में सूरज के न निकलने से किस किस प्रकार का संकट उत्पन्न होता है और वह किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इसे रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बात उस समय की है जब धरती नई बनी थी। एक बार समस्त पक्षी और जानवर इकट्ठा होकर शिकायत करने लगे कि उन्हें सूरज बहुत तीखा और गर्म लगता है। उनमें से कई तो यह भी बोले कि सूरज को हर रोज निकलने की क्या आवश्यकता है, कभी तो कुछ आराम मिले। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने की ओर जाते हुए सूरज ने सब सुन लिया। वह बहुत नाराज था, इसलिए एक सुबह को निकलने से इनकार कर दिया। बच्चों, बताओ सूरज क्यों नाराज था? सूरज इसलिए नाराज था क्योंकि सब पशु और पक्षी यह शिकायत करने लगे थे कि सूरज उन्हें बहुत तीखा और गर्म लगता है और सूरज को हर रोज निकलने की क्या आवश्यकता है। यह सब सूरज ने सुन लिया था, इसलिए वह बहुत नाराज था। उसने एक सुबह को निकलने से इनकार कर दिया। शुरू में तो जानवर और पक्षी बहुत खुश हुए। बच्चों, बताओ जानवर और पक्षी क्यों खुश हुए? वो इसलिए खुश हुए क्योंकि सूरज नहीं निकला था। सर्दी उतर आई थी, जितनी देर चाहें वो सो सकते थे। शीघ्र ही अधिकतर जानवरों और पक्षियों को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो भूख से व्याकुल होने लगे। व्याकुल का अर्थ है परेशान। अब उनकी फिर शिकायत थी कि सूरज क्यों नहीं निकलता। वे एक दूसरे को दोष देते कि उन्होंने
पागलों जैसी बात की सूरज को यह कहकर कि वह न निकला करे। आखिर वे मिल बैठे और फैसला। बताओ बच्चों, जानवर और पक्षी क्यों खुश हुए? वे इसलिए खुश हुए क्योंकि सूरज नहीं निकला था और वे जितनी देर चाहें सो सकते थे, लेकिन सूरज के न निकलने पर चारों ओर अंधेरा छा गया था। उन्हें अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो भूख से व्याकुल होने लगे और फैसला किया कि मिन्नत करने के लिए सूरज के पास एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए। पक्षियों और जानवरों की एक छोटी सी टोली सूरज के पास गई और उससे अनुरोध किया कि वह फिर से निकलना शुरू कर दे। मिन्नत करना, मिन्नत करना का अर्थ है प्रार्थना करना। टोली, टोली का अर्थ है समूह। अनुरोध, अनुरोध का अर्थ है विनय करना। अब सारे जानवरों और पक्षियों ने फैसला किया सूरज के पास एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए। तब पक्षियों और जानवरों की एक छोटी सी टोली सूरज के पास गई और उससे प्रार्थना की वह फिर से निकलना शुरू कर दे। अनुरोध का अर्थ भी है प्रार्थना करना। लेकिन सूरज तो क्रोध में था। बच्चों बताओ, क्रोध में कौन था? क्रोध में था सूरज। सूरज क्यों क्रोध में था? क्योंकि जानवरों और पक्षियों ने उसकी आलोचना की थी और उन्होंने कहा था सूरज को निकलने की क्या आवश्यकता है। सूरज ने कहा, आपको पहले ही से विचार कर लेना था कि आप लोग क्या चाहते हैं। मैं पौधों को बढ़ने में मदद करता हूँ और फूलों को खिलने में। सारे जानवरों, पक्षियों और इंसानों को जीवित रहने के लिए मेरी आवश्यकता है। किंतु आप इतने मूर्ख हैं कि इतना भी न समझ सके। सूरज ने कहा, जो आपने मुझे बातें कही हैं वो पहले से ही सोच लेना था कि आप लोग क्या चाहते हैं। सारे जानवरों को, पक्षियों को, इंसानों को जीवित रहने के लिए मेरी आवश्यकता है। बच्चों बताओ, क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हमें सूरज से ही विटामिन डी मिलता है, प्रकाश मिलता है और गर्मी मिलती है। वह है टोली तो मुंह लटकाए लौट आई, किंतु दिन ब दिन जीवन और कठिन होता गया। शीघ्र ही सभी उदास और हताश हो गए और सभी के हाथ पांव सुन पड़ गए। अब सूरज से बात करने के लिए और किसको भेजें? कौन है जो सूरज का दिल जीत ले? बच्चों बताओ, सभी के हाथ पांव सुन क्यों पड़ गए? क्यों पड़ गए थे? क्योंकि सूरज न निकलने पर सर्दी उतर आई थी। अब सूरज से बात करने के लिए और किसको भेजें? कौन है जो सूरज का दिल जीत ले? आखिर किसी ने मुर्गे का नाम सुझाया। देखने में वह अच्छा था, साफ सुथरा और सलीके से बात कर लेता था। सबसे बड़ी बात
तो यह थी कि औरों की तरह उसे सूरज से कभी कोई शिकायत नहीं थी। मुर्गा दुविधा में पड़ गया, कहने लगा, किंतु आप सभी लौट आए हो, इतने स्वस्थ जानवर और इतने सुंदर पक्षियों ने मिलकर उससे बात करके देख तो लिया है, मुझसे कामयाबी की क्या उम्मीद करते हो? कामयाबी का अर्थ है सफलता, उम्मीद उम्मीद का अर्थ है आशा, किंतु वे उससे याचना करते रहे। याचना का अर्थ है प्रार्थना, तुम धरती को बचा लो बचा लो, उन्होंने विनती की। बच्चों बताओ, जानवर और पक्षी मुर्गे से क्या प्रार्थना करते रहे? वे मुर्गे से प्रार्थना करते रहे, तुम धरती को बचा लो, उन्होंने विनती की। तब बड़े असमंजस में मुर्गा सूरज से मिलने के लिए चल पड़ा। मेरे स्वामी सूरज, सृजन के देवता, वह कहने लगा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि लौट आओ और एक बार फिर से दुनिया को स्वस्थ कर दो। आप उष्ण हो और चमकते हो, हमें इस उष्णता एवं प्रकाश की आवश्यकता है। आपके बिना कुछ उत्पन्न नहीं होता, नहीं फलता फूलता। आपके बिना हम इस धरती की सुंदरता नहीं देख पा रहे हैं। हर तरफ अंधकार ही अंधकार है, निराशा ही निराशा है। बच्चों, मुर्गे ने सूरज से क्या प्रार्थना की? मुर्गे ने सूरज से प्रार्थना की, आप लौट आओ और फिर से इस दुनिया को अपने प्रकाश से आलोकित कर दो। आपके बिना हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार है, निराशा ही निराशा है। हमें आपके गर्मी एवं प्रकाश की आवश्यकता है। तमाम छोटे जानवरों एवं छोटे पक्षियों के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। हमारे पास खाने को लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि पौधे तो अब उगते ही नहीं। निशाचर हमें सताते हैं, क्योंकि हम हर समय छिपे नहीं रह सकते और न ही हमें अंधेरे में कुछ दिखाई ही देता है। हमने कभी नहीं चाहा था कि आप छिप जाएं, किंतु हमारी एक न चली। सिर्फ बड़े बड़े जानवरों की गरज दहाड़ी सुनी गई। बच्चों, मुर्गे ने सूरज से निकलने की प्रार्थना की और कहा, आपके बिना हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। हमने कभी नहीं चाहा था कि आप छिप जाएं, आप न निकलें, हमारी न चली।
सिर्फ बड़े बड़े जानवरों की दहाड़ ही सुनी गई। सूरज का दिल पसीज गया। वह मन ही मन सोचने लगा, काश तुम्हारे जैसे प्राणी और अधिक होते। उसने कहा, फिर तो मैं लौटने के बारे में विचार कर भी लेता, किंतु तुम जैसे बहुत थोड़े ही हैं। बिल्कुल नहीं जी, मुर्गे ने कहा, कई तो इतने छोटे हैं कि उन्हें देख भी नहीं सकते। यह उनकी नादानी है। नादानी का अर्थ है ना समझी कि बड़ों को शोर मचाने दिए। दोबारा यह गलती वे नहीं करेंगे। मैं आपको वचन देता हूँ कि हर सुबह स्वागत के लिए मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। जब अगली सुबह सूरज लौट आया तो सबने पहले मुर्गे ने उसका स्वागत किया, निहाल होकर, बाग देकर, और तब से लेकर यही वह हर सुबह करता आया है। बच्चों बताओ, मुर्गे ने सूरज को क्या वचन दिया? मुर्गे ने सूरज को वचन दिया कि वह हर सुबह उसके स्वागत के लिए वहाँ उपस्थित रहेगा। जब सूरज लौट आया तो उसका किसने स्वागत किया? तो मुर्गे ने उसका स्वागत किया। कैसे किया? निहाल होकर, बांग देकर, और तब से लेकर यही वह हर सुबह करता आया है। शिक्षा, बच्चों इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है, हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। धन्यवाद।